बताइए किस ग्राउंड पर? इम्प्लांट बोल एंड नंबर ऑफ विटनेसेस हैज बीन नेगेटिव। इसको आराम से सुनते हैं। चलिए अच्छा बताइए, ये सब बहुत अच्छा केस है, बाकी मैं आराम से अच्छा जी तो फिर सुनाइए। क्योंकि इसमें जो है चार विटनेस को एग्जामिन किया, 19/1/14 की घटना है और उस दिन जो FIR है वो डिसीज के खिलाफ लॉज हुई, डिसीज के खिलाफ लॉज हुई और 2 महीने के बाद गाड़ी को इम्प्लॉय। बताइए कल सर NA2 है, NAW2 अभी FIR देखें एग्जिबिट सर, FIR है देहाती नालसी है P4 और FIR है P1। मृतक कौन है? नरेंद्र शर्मा, मारुति अल्टो इतना इतना का चालक नरेंद्र शर्मा, ये आरोपी है FIR में। हाँ शुरू में जी 19/1/14 को, 19/1/14 को थाने में प्राप्त होने। एक राम बाबू कोटवार है, उसने रिपोर्ट लिखाई। हाँ। 2 महीने के बाद में बयान चेंज करके राम बाबू कोटवार के। तो सर पहले सबसे पहले NAW2 है। क्या नाम है? जी SI। टाइम लगे सर थोड़ा, टाइम लगे, उसके बाद कुछ केस नहीं लेंगे। ठीक बिल्कुल ठीक, क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं कोई कोई दिक्कत जी। पैरा फोर सिर्फ एक नंबर का केस लूंगा, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जी। एक नंबर का किसका है? आप किसी कारण से लेट हो गए थे जी सर। बस और कोई केस नहीं लूंगा उसके बाद, उसमें भी टाइम लगेगा। एक नंबर में भी क्या कर लूंगा? नहीं नहीं पेन रिकवर है और पूरी गवाही है, ओके आपने क्लेमेंट काउंसिल को भी बता दिया जी जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए सुनिए, मेरे पास वो मीडिएशन के लिए भी बैठे हुए हैं, आपका केस जो है मैं कर देता हूँ फ्राइडे के दिन, कर देता हूँ फ्राइडे को सुना दीजिए। एग्जीक्यूशन पूरा फ्राइडे के 2 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? आज मंगलवार हो गया, फ्राइडे को सुन लेंगे। कब की तारीख लगी एग्जीक्यूशन में? 5/12 की, 5/12 तो फ्राइडे को सुन लेंगे ना। एक नंबर फ्राइडे के लिए कर दीजिएगा। चलिए आज भी टॉप ऑफ दी थे, मेंशन कर दीजिएगा, मैं टॉप ऑफ दी लिस्ट में विश्वास नहीं करता हूँ, मेंशन करिएगा तब देखेंगे। चलिए NAW2 नाम Para 4, इनका नाम क्या है? ये हबीब लकड़ा, हबीब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, हबीब लकड़ा, हबील 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 लकड़ा। विवेचना के दौरान मृतक कहाँ पर है? Para 4। चल हाँ, ये उस घटना तारीख को दूसरे थाने में थे, 28/2/14 को इस थाने में आए, फिर उन्होंने चालू किया अपना काम। विवेचना के दौरान मृतक स्वर्गीय नरेंद्र शर्मा की पत्नी श्रीमती सरिता शर्मा और उनकी बेटी यशस्वी शर्मा ने पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ को एक शपथ पत्र अपने अपने नाम से दिए थे, जिसमें उल्लेख किया गया था कि घटना दिनांक 19/1/14 को वे सभी कार क्रमांक स्वयं सो में बैठकर जा रहे थे और नरेंद्र शर्मा कार चला रहे थे। नरसिंहगढ़ रोड पर भैसान जोड़ के पास पुलिया मडावर जोड़ पर उनकी कार को एक मारुति वैन नंबर MP04BA5409 के चालक ने तेजी व लापरवाही चलाकर फरियादी की कार नंबर में टक्कर मार दी, जिससे नरेंद्र शर्मा की मृत्यु हो गई। श्रीमती सरिता शर्मा और यशस्वी शर्मा घायल हो गई। उपचार निरंतर रहने के और मानसिक स्थिति दुर्घटना की वजह सही नहीं होने के कारण घटना के समय वे सही बयान नहीं दे पाए थे, पर घटना के समय जो बयान दिए थे वो दूसरे थे। विवेचना के दौरान मैंने यशस्वी शर्मा, अरुण जोशी, सरिता शर्मा, देवेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा, उम्र 100 इतने के कथन मैंने अंकित किए, तो देहाती नालसी लिखवाने वाले व्यक्ति राम बाबू भील के पूरक कथन मैंने अंकित किए। राम बाबू भील ने पहले देहाती नालसी लिखाई, उसमें जो सही घटना थी वो बताई, इन्होंने फिर उसके दूसरे कथन लेके और इन सबको फिर इन्वॉल्व कर दिया। प्रदर्श D2 है, जिसके ए से भाग पर मेरा साक्ष्य, प्रदर्श P8 लगाकर P8 तक 13 तक के साक्ष्यों का कथन मैंने अंकित किए थे, ए से ए भाग पर मेरा साक्ष्य। साक्ष्यों के कथन लेने के बाद मुझे इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई थी कि बैन क्रमांक 600 के चालक ने नरेंद्र शर्मा की कार में टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तब मैंने विवेचना के दौरान मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, राम गोपाल शर्मा, रामचंद्र शर्मा, राम गोपाल शर्मा। अच्छा तो ये किस राम? नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा ये एक आई विटनेस है, नरेंद्र कुमार शर्मा दूसरा विटनेस। चलिए ठीक है, फिर आगे पढ़िए।
जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने विवेचना के दौरान उक्त मारुति वैन के स्वामी विष्णु प्रसाद को बुलाए और सो करके नोटिस भेजा था। देन पैरा नेक्स्ट पैरा 7 है, मैंने आरोपी जितेंद्र को जमानत पर एसएचओ महोदय के आदेश पर छोड़ा था, 10 डी सर्कल जिसके ए से भाग में था। मैंने मारुति वैन का मैकेनिकल परीक्षण करा था जो D7 है। विवेचना उपरांत मैंने अंतिम प्रतिवेदन पेश किया था जो आदि इत्यादि। यह कहना सही है कि विवेचना के दौरान मैंने जितने भी साक्ष्यों के कथन अंकित किए हैं वह मैंने साक्ष्यों के बताए अनुसार ही अंकित किए। मैं अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी बहाया गाया नहीं थे आदि इत्यादि। मैंने ईमानदारी से काम किया था। नेक्स्ट विटनेस है मुकेश कुमार गौड़ जी। मैं दिनांक 19/14 को पुलिस चौकी बोड़ा थाने पर चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को दुर्घटना सूचना पर मैं रवाना होकर नरसिंह रोड भिसान रोड के पुलिया मड़ा पर पहुंचा। वहां पहुंचा तो वहां एक आल्टो 2600 नंबर पलटी हुई थी, यही गाड़ी है जो वो चला रहे, एवं एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। पूछताछ कर फरियादी राम बाबू पुत्र हरनाथ भी उम्र 28 वर्ष निवासी 2600 कोटवार से अपराध क्रमांक जितने देहाती नालसी आरोपी मारुति आल्टो MP04CD3390 के चालक नरेंद्र शर्मा के विरुद्ध लेख की है, जिस पर फरियादी द्वारा एक लड़की यशस्वी शर्मा और पत्नी सरिता शर्मा को नरसिंह अस्पताल एम्बुलेंस से भेजा गया। अच्छा, मैंने सर एक एप्लीकेशन लगाई थी कि इनके मेडिकल डॉक्यूमेंट बुला लिए जाए दोनों के, जिससे ये पता लगे कि वहां पे क्या रिपोर्ट लिखाई है। तो वहां एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि बोले वो तो क्लेमेंट है ही नहीं। कौन क्लेमेंट नहीं है ये, सॉरी ये जो जो घटना है वो डेथ की है, जो लोग इंजोर्ड है तो इसलिए वो मेडिकल डॉक्यूमेंट बुलाने जरूरत नहीं है। हम इसलिए बुलाना चाह रहे थे, उस मेडिकल डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि इन्हीं की गलती से, जो नरेंद्र शर्मा है उनकी गलती से एक्सीडेंट। अच्छा, वहां एप्लीकेशन रिजेक्ट। कौन है भाई ये? वहां का ट्रिब्यूनल है ये। ये है सर भोपाल एडिशनल भोपाल अतुलकर की अतुलकर। वो जो ऑर्डर सीट है वो 4/8/16 की है। मतलब आई विल क्रिस्टल क्लियर दिस स्टेटमेंट। एक मिनट रुक जाइए, क्या क्रिस्टल क्लियर करेंगे आप? मतलब जो राम बाबू है पहला बात ये बताइए, जिस भील ने लिखाई थी देहाती नाली जी, he was not the eyewitness, para 20 of the award. It may दिनांक 19/14 को थाना पचोर में प्रथम बार सूचना देने वाला साक्षी राम बाबू अनावेदक साक्षी 4 ने न्यायालय में बताया है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी है। घटना के बाद मौके पर पहुंचा था और कोटवार होने के कारण उसने बोड़ा चौकी में टक्कर होने की सूचना दी थी और प्रदर्श D4 पर उसने हस्ताक्षर किए हैं। प्रदर्श D4 पर से प्रदर्श P1 की रिपोर्ट लिखी गई है। इस साक्षी का अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी द्वारा, ये तो बता दीजिए उसका स्टेटमेंट है, ये सरिता शर्मा और इनका, ये भी तो कार में थी यशस्वी शर्मा, इनका भी एविडेंस आया है, दे आर द आई विटनेस। मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन पेपर क्या है उसको बुलाने में? आप ऑर्डर 41 रूल 27 की एप्लीकेशन लगा देते हैं, नहीं पहले ऑर्डर शीट भी है उसमें ऑलरेडी। हां अब तो मृतक की डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बुलाए? 4/8/16 का है कि मृतक की पत्नी और पुत्री का सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ रवाना किए जाने का। 4/8/16 अनावेदक क्रमांक 3 से एक आवेदन आदेश को पेश किया है कि थाना पत्र देहाती नालसी से FIR मृतक द्वारा चलित वाहन आल्टो कार क्रमांक 2600 को चलाकर पुलिया से टकराए जाने के कारण कारित होना बताया। घटना के लगभग 2 माह बाद दुर्घटना कारित करने वाले वाहन क्रमांक इतने को जब्त कर अन्वेषण किया गया आदि इत्यादि। यह नेक्स्ट पेज में है। सबल अस्पताल नरसिंहपुर में भर्ती किया गया था, जहां से कोई भी दस्तावेज आवेदक गण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अस्पताल में तीनों के इलाज के संबंध में मैं दस्तावेज के सिविल अस्पताल पेश कर दीजिए। आप ही दस्तावेज You produce these documents. Rakesh Jain, learned counsel for the insurance company, produced order sheet dated 4/8/2016, passed by additional motor accident claims tribunal Bhopal, Shri K. Atulkar. Full stop. There is no justification in rejecting an application for production of medical documents of treatment of the claimants, namely. क्या क्या नाम है इनके? यशस्वी यशस्वी सॉरी पहला सरिता शर्मा, दूसरा शर्मा एंड यशस्वी शर्मा। दो ही है ना, दो ही लोग थे ना?
फुल स्टॉप लेट सेट डॉक्यूमेंट्स बी प्रोड्यूस्ड बाय श्री कपिल पटवर्धन विद इन कितने दिन में सिंह 5/12/2022